guys, welcome to Desi Girl Traveler and welcome to yet another episode from my Solo in South series. Rameshwaram mein aapka swagat hai. Kal tak main thi Kanyakumari mein aur aapne dekha ki main Kanyakumari se Rameshwaram kaise pahunchi hoon. Main filhal khadi hoon Rameshwaram Mandir, the Ramanatha Swami Mandir, jo ki ek Jyotirling Mandir hai aur char dham mein se bhi ek dham hai. Main wahan pahunch chuki hoon. Uske north gate pe main khadi hoon. मंदिर के अंदर अभी दर्शन करने के लिए जाऊंगी. सुबह का टाइम है इसलिए यू कैन सी एवरीथिंग एम्प्टी. लेकिन कुछ एक चीज़ है जो मैं आपको कहना चाहती हूँ बिफोर आई गो फॉर माय दर्शन. सबसे पहली चीज़, मंदिर के अंदर कैमरा, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, नथिंग इज़ अलाउड. सेकेंड, क्योंकि आप अंदर कुंड स्नान करोगे तो जो भी आप बैग वैग कैरी कर रहे हो वो आप होटल में ही छोड़ के जाना, क्योंकि वो गीला हो जाएगा. होटल्स जो हैं, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है रामेश्वरम के होटल की. यहाँ पे सिंगल लोगों को, सिंगल एज इन जो सिंगल आते हैं, सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम नहीं देते हैं यहाँ पे. बहुत कम होटल में मिलेंगे आपको वो चीज़, क्योंकि यहाँ मंदिर में भीड़ बहुत होती है और बहुत सारे लोग आते हैं. होटल्स इतने ज़्यादा नहीं हैं तो दे ट्राई कि डबल ऑक्यूपेंसी हो, फैमिली की ऑक्यूपेंसी हो. मुझे काफ़ी मेहनत लगी एक सिंगल रूम ढूंढने में. एंड आई एम स्टेइंग एट होटल वेस्ट गेट आई बिलीव, जो कि वेस्ट गेट के सामने है. तो मैं जा रही हूँ मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए, कुंड स्नान, और उसके बाद आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी. Like from head to toe because I just finished my darshan at Rameshwaram Mandir. मुझे बहुत सारी चीज़ें कहनी हैं आपको इस जगह के बारे में, लेकिन first and foremost, let me just be happy about the fact that I came to Rameshwaram all by myself and I did my puja, darshan, everything. सबसे important part तो मेरी experience से मैं कहती हूँ कि 22 कुंड का स्नान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जनरल लाइन में 25 रुपए की टिकट है और स्पेशल वाला में 200 रुपए का है. व्हाट आई डिड एंड व्हाट आई फेल्ट वाज द बेस्ट फॉर मी, आई हायर्ड अ गाइड. सो मंदिर के आगे ही आपको बहुत सारे गाइड मिल जाएंगे. दे चार्ज यू अ लिटिल एक्स्ट्रा बट इट्स बेस्ट. आई पेड 1500 टू द गाइड एंड ही हेल्प मी टेक स्नान इन ऑल 22 कुंड्स और दर्शन भी बिल्कुल आसानी से और काफ़ी अच्छे से हो गई मेरी अमावस्या आज. और आई थिंक नवरात्रा मना रहे होंगे नॉर्थ में, क्योंकि यहाँ पे गुड़ी पड़वा है और बहुत ज़्यादा भीड़ है और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे गुड़ी पड़वा का सेलिब्रेशन चल रहा है या कोई फेस्टिवल है. मुझे लगता है भगवान मुझे हर जगह ना सही टाइम पे सही जगह पहुँचा देते हैं. अ कपल ऑफ इंस्ट्रक्शंस नाउ. सबसे पहले मंदिर में आपको 3:30 बजे से दर्शन शुरू हो जाते हैं. मणि दर्शन बोलते हैं उसको. यू कैन एंटर द टेम्पल अर्ली इन द मॉर्निंग. जितनी सुबह जाओ उतना अच्छा है, क्योंकि भीड़ आपको कम मिलेगी. सेकेंड, वीमेन प्लीज़ वेयर कुर्ता और साड़ी, देयर इज़ नथिंग एल्स अलाउड. थर्ड, यू कैन टेक अ सेट ऑफ क्लोथ्स एक्स्ट्रा, लाइक क्योंकि आप स्नान करने के बाद यू आर कम्प्लीटली ड्रेस्ड तो यू मे नॉट फील कम्फर्टेबल वॉकिंग इन दैट. बट मेरे साथ ऐसा पंगा था नहीं, मैं अभी तक गीले कपड़ों में घूम रही हूँ. आई नो बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप गाइड हायर मत करो, ये वो. अगर आप ग्रुप के साथ आ रहे हो, फैमिली के साथ आ रहे हो, देन तो यू कैन मैनेज. बट अगर आप अकेले हो तो गाइड्स आर द बेस्ट. आप आराम से उनको स्पॉट कर सकते हो, धोती कुर्ता, और मंदिर के गेट पे खड़े मिलेंगे आपको हर जगह. अगर आप ग्रुप में हो ना तो स्नान के लिए वो लोग 200 रुपये मांगते हैं, क्योंकि मैं अकेली थी और ग्रुप में वो 5-6 जनों को ले जाते हैं तो उनके लिए लॉस होता, तो इसलिए मुझसे 1500 रुपये लिया उसने. बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग, लाइक आई एम हैप्पी. और अगर आप चाहो तो कुंड का पानी घर भी ले जा सकते हो, तो एक बॉटल साथ में ले आना. और नहीं लाते हो तो यहाँ पे पानी पैक्ड मिलता है, तो यू कैन बाय दैट. ओके, अनदर थिंग, यहाँ पे चार गेट है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. आपको नॉर्थ गेट से एंटर करना है, क्योंकि वो बिल्कुल स्नान कुंड के पास है. वहाँ से आप एंटर करो, सारा स्नान लो और उसके बाद
मेन ज्योतिर्लिंग जो है और जो शिवलिंग है उसका दर्शन करो। नॉर्थ से आप एंटर करो और वेस्ट से आप निकल सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ और, चप्पल, आपको चप्पल लेके नहीं जाना है। तो जहाँ भी आप अपना चप्पल रखते हो या तो आप होटल में ही छोड़ दो, और अगर आप होटल में नहीं छोड़ते हो तो जो भी लॉकर्स आप लेते हो याद रखना कि कौन से गेट पे है, क्योंकि इट्स क्वाइट क्राउडेड, यू कैन सी द क्राउड हियर, सो मच क्राउड। एंड शायद आपको भूल जाओगे आप कौन से गेट पे है। वैसे तो बेस्ट है कि आप होटल के रूम के अंदर ही सारी चीज़ें छोड़ के आ जाओ। आई वॉज नॉट कैरिंग एनी थिंग लाइक नो फोन कैमरा नथिंग, आई हैड जस्ट लिटिल बिट ऑफ मनी विच आई वॉट आई डिड इज, मेरे पास एक छोटा मनी पाउच है, उसके अंदर मैंने प्लास्टिक के बैग में पैसे बांध के रख लिए, क्योंकि जब आप कुंड में स्नान करते हो तो आपके पैसे भी गीले हो जाएंगे, एंड यू नीड मनी टू बाय प्रसाद और वट एवर यू वॉन्ट टू बाय। सो दिस वन इज़ ईस्ट गेट। इसी तरह आपको चार गेट हैं यहाँ पे, नॉर्थ से घुसना, ईस्ट वेस्ट जहाँ से भी निकलना है निकलना, लेकिन नॉर्थ से घुसना। सो दिस इज़ रामेश्वरम टेम्पल यू गाइस। मेरे बहुत 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 सालों का सपना, जो एक इच्छा थी मेरे अंदर, जो एक डिज़ायर थी कि मैं यहाँ पे आकर दर्शन करूँ, वो आज पूरा हुआ और काफ़ी अच्छा दर्शन मुझे मिल गया, तो आई एम वेरी हैप्पी। अब मैं जाती हूँ कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए। यूजिंग द माइक लाइक दिस बिकॉज इट्स वेट माई क्लोथ्स। तो यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए, यू कैन, यू हैव सो मैनी ऑप्शन, इट्स अ धाम, यू नो, इट्स लाइक अ वेरी रिलीजियस प्लेस, तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं खाने वाने की वैसे। बट आज मेरा मन था कि मैं कुछ नॉर्थ इंडियन खाना खाऊँ, स्पेशली पराठा एंड पूरी भाजी और समथिंग लाइक दैट। तो मैं एक जगह पहुँची, इट्स कॉल्ड पंजाबी ढाबा, तो यहाँ पे मैं अभी पराठा खाती हूँ। गाइज, अभी तक ना ये फीलिंग सिंक इन नहीं हो पाई है कि मैं रामेश्वरम धाम में दर्शन करके आई हूँ। आई नो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन इंडिया के जिस हिस्से से मैं आती हूँ ना, मेरे लिए ये बहुत बड़ा ड्रीम था। आई एम ईटिंग दिस पूड़ी एंड आलू, ओह गॉड, आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम आई एम गेटिंग टू ईट दिस नॉर्थ इंडियन फूड। ये जो रामेश्वरम जगह है वो रामायण में काफ़ी चर्चा है इस जगह की, और अगर इंडिया की माइथोलॉजी में बिलीव करें तो ऐसा कहते हैं कि राम भगवान जब सीता माता को ढूंढने आए थे, जो कि लंका में थी, जिनको कि रावण लेके चले गए थे, तो राम यहाँ पे ही आए थे सबसे पहले रामेश्वरम सीता माता को ढूंढते हुए। मतलब पहले आए थे कि नहीं वो नहीं पता मुझे, बट वो यहाँ आए थे सीता को ढूंढते हुए। रामायण में काफ़ी जिक्र है इस जगह का, तो बहुत कुछ खुली है, लाइक बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे। तो हम अभी धनुषकोडी जा रहे हैं, मैंने एक ऑटो हायर करी है, पेइंग हिम सम 1000 bucks। अभी मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ, ये साउथ का सबसे एंड वाला पार्ट है, और यहाँ से श्रीलंका इज़ जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स, आई गेस 17 kilometers। ये जगह धनुषकोडी से थोड़ा आगे है, और इसको संगम पॉइंट कहते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे दो समंदर, इंडियन ओशियन एंड बे ऑफ बंगाल मर्ज होते हैं। तो यहाँ तक जब मैं आ रही थी ना ऑटो में, जब मैं बैठी थी, तो जिस रोड पर मैं चल रही थी उसके लेफ्ट साइड पर इट वॉज बे ऑफ बंगाल फ्लोइंग, एंड ऑन द राइट साइड, ऑन माई राइट वॉज इंडियन ओशियन। और यहाँ पे इस जगह पे यू कैन सी द टू ओशंस मर्जिंग। मैं कैमरा थोड़ा टर्न करती हूँ, आई विल ट्राई एंड शो यू गाइज। मैं तो अपनी आँखों से इवन आफ्टर वेयरिंग द शेड्स आई कैन सी टू कलर्स। लेट्स सी इफ माई कैमरा कैन कैप्चर इट। दिस इज लिटिल लाइक अ मडी काइंड ऑफ वाटर, एंड दैट्स टर्कोइश ग्रीन, लुक एट दैट। It's such a beautiful line. It's very hot. Very, very, very hot, in fact.
सो इन कन्याकुमारी वी सॉ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ थ्री ओशियंस, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी. बट हियर वी हैव टू, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन. एंड देयर इज अ पैच यू कैन सी समुंदर के बिल्कुल बीच में. एक्चुअली यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी अजीब सी है, मतलब बिल्कुल पीक दोपहर का टाइम है, तो कैमरा इज डेफिनेटली नॉट वर्किंग वेल, बट स्टिल लेट मी गिव यू गाइज अ कॉन्टेक्स्ट. नाउ सी, देयर इज अ पैच ऑफ सैंड दैट इज कॉल्ड राम सेतु. उसके नीचे का सारा वो ब्रिज समुंदर के अंदर है. दिस वन इज बे ऑफ बंगाल, इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, एंड द ब्लूइश वन इज इंडियन ओशियन. दिस इज बे ऑफ बंगाल एंड हियर इट्स मर्जिंग. दिस साइड इज़ कन्याकुमारी. मैं जब जब ऐसी किसी जगह पे पहुंचती हूँ ना, जहाँ पे मुझे ज्योग्राफी जानने का मौका मिलता है, वो सारी चीज़ें जो मैं बुक्स में पढ़ती थी, काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है मुझे. एक और स्टोरी है कि ऐसा कहते हैं क्योंकि इस राम भगवान सीता माता को ढूंढते हुए, जो कि लंका में थी, रामेश्वरम आए थे, तो यहाँ पे उन्होंने एक ब्रिज बनाई थी राम सेतु, जिससे होके वो बांद्री सेना लंका तक गए थे. दैट सैंड पैच इज़ कॉल्ड दैट राम सेतु. वो ब्रिज अब दिखता नहीं है क्योंकि वो समंदर के अंदर है, बट दे बिलीव कि वो जो पैच वाला पार्ट है, दैट्स द ब्रिज. सो दिस साइड वी आर वेरी क्लोज टू श्रीलंका, जस्ट 18 kilometers, एंड दिस साइड इज रामेश्वरम आइलैंड. सो नाउ वी लीव फ्रॉम हियर एंड वी आर गोइंग टू धनुषकोडी. मतलब टैनिंग की परवाह तो मैंने छोड़ ही दी है. आई एम लाइक प्रिपेयर्ड कि वापस से जब घर जाऊँगी ना, दो तीन महीने घर के अंदर बैठ के आल रिपेयर माई स्किन. इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और बहुत प्यास लग रही है. एंड यहाँ पे बहुत सारी स्टॉल्स हैं. यू कैन हैव कच्चा आम, कॉर्न, एंड यू कैन हैव पाइनएप्पल, एंड यू कैन हैव वाटरमेलन. कितने का? 20 rupees. 20 rupees, ठीक है. एक दे देगा इधर, ठंडा है. हाँ चलेगा. आई हैव माई वाटरमेलन, उसके बाद यहाँ से निकलती हूँ. धूप काफ़ी हो गई है, अब थोड़ी बहुत ठंडे की ज़रूरत है. दीदी एक स्माइल कर दो. ओके गाइस, सो नाउ आई हैव रीच दिस प्लेस कॉल्ड धनुषकोडी. ये जगह 24 किलोमीटर्स दूर है श्रीलंका के बॉर्डर से. और ये रामेश्वरम का बिल्कुल एंड का पार्ट है. पहले यहाँ पे लोग आते नहीं थे, लेकिन अब आते हैं क्योंकि गाड़ी अब आने लगी है. इस जगह की दो हिस्ट्री है. सबसे पहले तो हम रामायण से रामायण वाली हिस्ट्री को सुनते हैं. तो ऐसा कहते हैं कि भगवान राम जब सीता माता को लेने के लिए श्रीलंका उनको जाना था, तो उन्होंने हनुमान जी को वानर सेना के लिए एक ब्रिज बनाने के लिए बोला था. और दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे वो ब्रिज बनाई गई थी, राम सेतु ब्रिज, जिसके बारे में मैं अभी कह रही थी आपसे थोड़ी देर पहले. और दूसरी हिस्ट्री ये है कि 1964 में यहाँ पे एक साइक्लोन आया, और उससे पहले ये जगह एक प्रॉपर टाउन हुआ करता था, और यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग, लोग थे, स्कूल्स थे, रेलवे स्टेशन था. बट 1964 के साइक्लोन में वो सारी चीज़ें बर्बाद हो गई, बस रुइंस रह गए हैं. इसको घोस्ट टाउन भी अब लोग बुलाने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब कोई रहता नहीं है. फिशरमैन आते हैं, दुकान लगाते हैं ये लोग जो हैं. एक बार चल के हम रेलवे ट्रैक भी देख लेते हैं. सो दैट्स अ हार्बर जो कि श्रीलंका के लिए यूज़ होता था, बोट हार्बर और शिप के लिए. दिस इज़ द रेलवे ट्रैक विच यूज़ टू कम फ्रॉम चेन्नई टू मदुरई टू धनुषकोडी. एंड इन द 1964 साइक्लोन ऑल ऑफ इट गॉट डिस्ट्रॉयड. दैट्स द रेलवे स्टेशन एंड यू कैन सी द रुइंस. एंड दिस इज़ वाटर टैंक ट्रेन का पटरी. एक टाइम पे ये धनुषकोडी, जो कि एक बहुत ही बड़ा टाउन हुआ करता था, आज यहाँ पे सिर्फ 500-400 कुछ फिशरमैन रह गए हैं. इट्स अ सैड पार्ट एक्चुअली. नेचुरल है ये. वाओ, कितने का बेचते हैं ये? 30 rupees. 20 rupees. 30 rupees. ओके. समुंदर में जाके लेके आते हैं? बोट वाला. आप बोट वाला है? अच्छा, आप लोग इधर ही रहते हैं? रात्रि में इधर 300 घर में. इधर 300 घर अभी भी है? किधर है? एक द्वारा स्कूल है. किधर है? एक घर है. अच्छा, ऐसा ऐसा घर है. ओके, बोला एसी घर है, बड़ा बड़ा एसी घर है. एसी घर, ये वाला ओपन में था, ये मुझे शेल. अच्छा, पोल शेल. ये ओरिजिनल है? ओरिजिनल है. वाओ,
I can tell you guys, this is not plastic, it's original shell. You can see the pearl also here. He is gonna tell us how to differentiate between original and duplicate pearl. So let's see. ऐसे हम ना प्लास्टिक वाला ना ये प्लास्टिक है और ये ओरिजिनल है ओरिजिनल है अब सेगिंग वाला डुप्लीकेट ओरिजिनल सेगिंग वाला कैसे चेक करेगा ओरिजिनल मुचल ना ये ग्लास में है ये वाला पाउडर वाला ओके ओरिजिनल ना पाउडर वाला ये नकली प्लास्टिक प्लास्टिक वाला ना ये पाउडर नहीं है ये पाउडर वाला ओरिजिनल ओरिजिनल है पाउडर वाला ओरिजिनल दिस इज ओरिजिनल ये वाला ओरिजिनल वाओ और कितने का बेचते हैं ये इट 1300 ओके ये वाला ना स्पेल ओरिजिनल मुचल में एक ग्लास में ओके सो जो लिखा पाउडर सा वो ओरिजिनल है ये वाला मुचल ओरिजिनल मुचल है ये भी ओरिजिनल है ओरिजिनल ना से ये वाला ना पाउडर वाला प्लास्टिक ना नहीं है नहीं लिखता ओके चलो अब हम यहाँ से निकलेंगे अभी मैं पहुंच गई हूं विभीषण मंदिर में तो ऐसा कहते हैं कि जब विभीषण ने रावण को वॉर्न किया था कि सीता को ऐसे लेके आना इस गलत रॉन्ग है तो रावण उसकी बात नहीं माने और रावण क्योंकि उनकी बात नहीं माने विभीषण लेफ्ट लंका एंड ही केम राम जी के शरण में और उसके बाद यहाँ पे उनके लिए एक मंदिर बना दी गई ये स्टोरी है मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है सो आई के नॉट टेक यू गाइज इनसाइड द टेम्पल पर दिस इज़ इट ये जगह जो है धनुषकोडी से पास में ही है और यहाँ से रामेश्वरम आइलैंड इज़ 13 किलोमीटर जहाँ हम रह रहे हैं अभी और ये साउदर्न मोस्ट टिप है रामेश्वरम आइलैंड का मंदिर में काफ़ी भीड़ भी है और अंदर कैमरा भी अलाउड नहीं है तो मैं तो चले दर्शन करने के लिए आके मिलती हूँ मेरे लिए रामेश्वरम आने की दो वजह थी सबसे पहला तो मंदिर आना था मुझे दूसरा इंडियाज़ मोस्ट बिलावड प्रेसिडेंट लेट APJ अब्दुल कलाम उनका घर है और फिलहाल मैं खड़ी हूँ उनके घर के बिल्कुल नीचे जिसको कि अब एक म्यूज़ियम में बदल दिया गया है एंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट दैट इंडिया हैड एंड 2011 में इनके घर को जहाँ मैं अभी खड़ी हूँ जो कि एक काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस बन गया है टूरिस्ट लोकेशन इन रामेश्वरम इनके घर के सामने मैं खड़ी हूँ ये मॉस्क स्ट्रीट पे आती है ये जगह लेट्स गो इनसाइड एंड सी सो दिस इज़ द हाउस वेयर ही हैड स्पेंट ऑल हिज चाइल्डहुड अलॉन्ग विद हिज ब्रदर्स और इस घर में ऐसा कहते हैं कि इस म्यूज़ियम में इस घर में उनके चाइल्डहुड की वो सारी फ़ोटोग्राफ्स हैं और बहुत सारी चीज़ें जो कि ये बताती है कि इंडिया के छोटे से शहर से आए हुए हमारे प्रेसिडेंट जो कि एक टाइम पे न्यूज़पेपर बेचा करते थे हाउ ही बिकेम द प्रेसिडेंट एंड द साइंटिस्ट यू कैन सी द क्राउड हियर हाउस ऑफ कलाम लेट्स गो इनसाइड एंड आई एम नॉट श्योर इफ द कैमरा इज़ अलाउड वी विल फिगर दैट आउट से बाहर आ चुकी हूँ एंड एज एक्सपेक्टेड अंदर कैमरा अलाउड नहीं था यूजुअली किसी भी म्यूजियम में कैमरा अलाउड नहीं होता है इनसाइड दिस देयर आर सो मेनी कोट्स बाय हिम बुक्स बाय हिम एंड सो मेनी फोटोग्राफ्स हिज जर्नी विद DRDO ISRO एंड एवरीथिंग एंड आई एम सो इंस्पायर्ड लाइक कुछ कोटेशंस पढ़ के ना आई हैव टीयर्स इन माई आईज हिज विजन एंड हिज वर्ड्स आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रीड मोर ऑफ हिज बुक्स नाउ बट दिस इज़ वन प्लेस आई टोटली रिकमेंड यू शुड कम When you are coming to Rameshwaram.
See, this is the situation at night near the temple. I'm still standing at the west gate. और मार्केट काफ़ी चहल पहल है यहाँ पे. तो इन केस यू वांट टू बाय समथिंग लाइक सुवेनियर एंड ऑल, आई डिड दैट एट द एपीजे कलाम म्यूजियम फर्स्ट फ्लोर. देयर इज अ सुवेनियर शॉप, सो आई बॉट अ लॉट ऑफ फ्रिज मैग्नेट्स, कोल एंड एक्सेट्रा. एंड यहाँ पे आपको चाय कॉफ़ी कुछ भी चाहिए मिल जाएगी. ये रहा मंदिर वापस से. गुड मॉर्निंग यू गाइस. सो आई हैव माई ब्रेकफास्ट. एक घंटे में बस स्टैंड जाऊँगी एंड आफ्टर दैट आई विल बोर्ड माई बस टू मदुरई. कहते हैं कि 3 से 4 घंटे लगेंगे, बट कहते हैं हाँ. मुझसे ये भी कहा गया था कि कन्याकुमारी से रामेश्वरम आने में सिर्फ 5 घंटे लगेंगे, मुझे 11 घंटे लगे थे. इसलिए कह रही हूँ, सिर्फ कहा जाता है ऐसा, बाकी तो देखते हैं. मिलती हूँ आप लोगों को बस स्टैंड पर. And I hope you guys enjoyed watching this vlog. I am on my way to Madurai. I just have to figure out पहले तो कौन सी बस लेनी है मुझे. और तमिलनाडु में ना इस चीज़ की काफ़ी, मतलब इस चीज़ का काफ़ी चैलेंज हो रहा है और मज़ा काफ़ी आ रहा है मुझे, क्योंकि मैं लैंग्वेज समझ नहीं पाती लोकल्स के. Although few of them do speak Hindi और English, but फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है. और जब भी दिक्कत होती है ना तो काफ़ी मज़ा आता है मुझे. And I'm like, let me try and let me see how I can figure out things on my own. So अभी हम चल रहे हैं बस स्टैंड की तरफ, रामेश्वरम बस स्टैंड. Okay, not too difficult to find a bus to Madurai because it's a touristy place and Rameshwaram is also pretty much touristy. India के हर कोने से यहाँ पे लोग आते हैं, तो आराम से मिल गई. I just said Madurai and the people guided me. It's gonna take 3 to 4 hours. और सुबह बहुत बारिश हो रही थी लेकिन अभी गर्मी हो गई है, ह्यूमिडिटी. कोई बात नहीं. और ये ना मेरा हर बस में फिक्स्ड है, ड्राइवर के पीछे वाली सीट, लाइक फर्स्ट सीट. दिस इज रिजर्व फॉर वुमेन, बट मैं आराम से बैठती हूँ. फिर जैसे जैसे लोग आते हैं अपने बैग सारे में अपनी गोद में डालना शुरू कर देती हूँ. सो ओके, लेट्स एन्जॉय आवर जर्नी टू मदुरई फ्रॉम रामेश्वरम.